हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द न्यू लीफ। गाइस, आप सबका स्वागत है। होपफुली आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो गाइस, आज मैं कोई हेयर रिमूवल पाउडर के बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं कोई हेयर रिमूवल क्रीम के बारे में नहीं बात करूंगा, बल्कि आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट दिस प्रोडक्ट। दिस इज न्यूड आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन। गाइस, ये बहुत ही बेहतरीन एक लोशन है जो आप लगा सकते हैं आफ्टर रिमूविंग योर हेयर, इधर थ्रू शेविंग, इधर थ्रू वैक्सिंग और थ्रू यूजिंग अ हेयर रिमूवल क्रीम। चाहे वो हेयर रिमूवल क्रीम कोई भी ब्रांड का आपने लिया हो, आप फिर भी न्यूड का आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। अगर कोई बर्निंग सेंसेशन हो रहा है हेयर रिमूवल क्रीम को यूज करने के बाद, या फिर रैश हो गया है, या फिर कहीं पे शेव आपने ज्यादा कर दिया है तो वो एरिया बहुत ज्यादा आपको इरिटेट कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मैंने अच्छे से हेयर रिमूव तो कर दिया, लेकिन उसके बाद थोड़े देर बाद मुझे जलन हो रही है उस जगह पे, या फिर रेडनेस हो गया है उस जगह पे, तो मैं क्या करूँ। गाइज, रेडनेस या जलन अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम लगा रहे हैं तो हो सकता है कि हो जाए, बिकॉज उसमें केमिकल्स होते हैं, तो उसके वजह से रेडनेस या जलन हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए प्रोडक्ट लाइक दिस। हम मॉइस्चराइजर जनरली यूज़ करते हैं, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि यूज़ अ लोशन, यूज़ अ मॉइस्चराइजर, बट कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करें ये भी एक बहुत ज़्यादा क्वेरी होता है। तो गाइज, ये वाला मॉइस्चराइजर, ये वाला लोशन आप यूज़ कर सकते हैं न्यूड का। इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑन दैट पार्ट, इट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ द ड्राइनेस। अगर वही इरिटेशन आपको हो रहा है तो उससे बचाएगा, कहीं पर रेडनेस हो गया है आपको उससे बचाएगा, कहीं पर रैश हो गया है आपको शायद, अगर आपने करा और रैश हो गया तो उससे बचाएगा। इन एंड ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस जगह को आप हाइड्रेटेड रखिए, मॉइस्चराइज रखिए, और न्यूट का आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन यही काम करता है। गाइस, इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर आप चेक करिएगा तो इसमें क्लोव ऑयल है, मेंथॉल है, लेवेंडर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, लिस्ट पूरा डिटेल में यहाँ पे है। सो बहुत सारे ऐसे अच्छी अच्छी ऑयल्स हैं जो आपके उस एरिया को मॉइस्चराइज रखने में मदद देता है। हमेशा याद रखिएगा, आफ्टर शेविंग और वैक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एरिया जहाँ पे आपने करा है वैक्सिंग या शेविंग या हेयर रिमूवल क्रीम, उस जगह को टेक केयर करना। आप दो दिन तक तो आपको जरूर करना चाहिए टेक केयर, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है ना कि अचानक से आपने उस जगह से बाल निकाल दिए, तो ऑब्वियसली अगर आपने शेव किया है तो वो जगह पे थोड़ा सा वो जगह हैम्पर हुआ है, तो उसको लोशन ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज, ये जो न्यूट का बॉटल है, में एक पंप भी है, बहुत ही आसान है इसको निकालना, बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। यहाँ पे एक स्टॉप और ओपन का बटन है, ये बंद हो जाता है, लीक नहीं करेगा, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, इसको एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ करिएगा, डू नॉट वाइप। क्या करते हैं ना, बहुत लोग लगा लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको वॉश कर लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। इट एक्ट्स एज ए लोशन, जहाँ पे आपने हेयर रिमूव किया है वहाँ आपको लगा के थोड़े देर तक नहीं, पूरे दिन आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी हानिकारक नहीं है इसमें, आपको कोई भी काला नहीं पड़ेगा स्किन, या फिर स्किन में कोई दाने नहीं निकल आएंगे, कुछ नहीं होगा। इट इज़ वेरी वेरी सेफ टू यूज़। एक बार एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलिए गाइज, सबसे पहले हेयर रिमूव कर लेना है आपको। मैंने यहाँ पे आर्म्स और चेस्ट पे हेयर रिमूव कर लिया है, और इमीडिएटली मैंने न्यूड हेयर रिमूवल आफ्टर लोशन को ले लिया है और अपने चेस्ट एरिया और आर्म्स एरिया पे जहाँ जहाँ मैंने हेयर रिमूव किया है वहाँ वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगा इसको। इसको थोड़ा सा मैं रब करूँगा बिकॉज ये थिक कंसिस्टेंसी है और अच्छे से एब्जॉर्ब जब तक नहीं होता है तब तक अप्लाई करना है। ये देखिए, थोड़ा सा वाइट हो जाएगा आपका स्किन बिकॉज ये थिक कंसिस्टेंसी है इसका। थोड़े देर बाद आप देखिएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्किन पे इस तरह से। गाइज, ये जो न्यूट का बॉटल है, प्राइस है वो 290 है। अमेजोन पे देर इज अ सेल गोइंग ऑन, अभी शायद आपको ये 255 का पड़ेगा। प्राइस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द सेल, बट 255 से 290 का ही आपको ये पड़ेगा ऑनलाइन। ऑफलाइन आई डोंट नो वेर इट इज़ अवेलेबल, बट ऑनलाइन सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। गाइज, न्यूड इज़ अ वेरी गुड ब्रांड इन हेयर रिमूवल स्प्रेज, इन हेयर रिमूवल इनहिबिटर्स, इन हेयर रिमूवल लोशन लाइक दिस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जाइए लाइक न्यूड। बहुत लोगों का एक और क्वेरी आएगा, मुझे पता है मेरे चैनल पे जरूर ये क्वेरी आने वाला है, क्या इससे हेयर रिमूव होते हैं। गाइज, इससे हेयर रिमूव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इट इज एन आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन विच एक्ट्स एज ए मॉइस्चराइजर। टू प्लीज़,
अगर आपको मन में ये क्वेश्चन है तो मैंने आंसर अभी ही दे दिया है आपको। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। बहुत लोग फिर क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि ये पैराबिन फ्री तो है ना। यस, इट इज पैराबिन फ्री। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। आपको जरूर यूज करना चाहिए आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन बाय न्यूट। इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर मुझसे शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।